प्रदान किए जाएंगे। अजमेर में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में कुल 6 मोदी जी ने जो सिटीजन फर्स्ट के रूप में काम करने के लिए इन लोगों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश के अंदर 51,000 युवाओं को सेंट्रल गवर्नमेंट की नियुक्ति के पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 9वीं एपिसोड या किस्त के रूप में ये पैसा जिस तरह से नियुक्ति पत्र दिए हैं, और जो लक्ष्य है कि प्रतिवर्ष 10 लाख युवाओं को रोज़गार देना, तो आज ये निश्चित रूप से इन सभी युवाओं को ये पत्र प्राप्त हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि आने वाले समय में 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, तो उस विकसित राष्ट्र के लिए ये जो 25 साल है ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें इन युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, क्योंकि 25 साल में जब विकसित राष्ट्र बनाना है तो निश्चित रूप से उसके लिए हमें काम करने होंगे, प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाना होगा। आज भारत जिस गति के साथ आगे बढ़ रहा है, आज भारत की पहचान पूरे विश्व में बनी है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से हो, चाहे गरीब कल्याण की योजनाओं की दृष्टि से हो, इन सभी के लिए काम करने की आवश्यकता होगी। और इसमें ये जो हमारी युवा साथी है ये निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा अहम रोल करेंगे। और आज रोज़गार की दृष्टि से देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो उनको जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, आज इस देश में लगभग 1 लाख से अधिक स्टार्टअप हमारे तैयार हुए, आज स्टार्टअप भी रोज़गार युवाओं को देने जा रहे हैं। और इसके साथ ही जिस तरह से स्कीमें प्रारंभ की गई है कि किस तरह से स्किल डेवलपमेंट हो, उनको किस तरह से सुविधाएँ मिले, तो आज भारत हमारा आगे बढ़ रहा है, और इसमें रोज़गार महत्वपूर्ण ज़रूरी होता है, क्योंकि भारत युवाओं का देश है, और आने वाले समय में भारत ऐसा हमारा एक विश्व की शक्ति बनी। और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन पिछले 9 सालों में जो 11वें स्थान पर अर्थव्यवस्था में था वो आज 5वें स्थान पर पहुँचा है, और 2027-28 तक इसको हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएँ, और 2047 में विकसित भारत बनाएँ, तो इसमें निश्चित रूप से इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो देश के प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होगा। और इसमें आज जिनको नियुक्ति मिली है ऐसे युवाओं को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, इसलिए निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा कि ये जो नियुक्ति पत्र दिए हैं, तो इसलिए मैं इन युवाओं को भी बधाई देता हूँ और प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि इस तरह के रोज़गार मेलों के माध्यम से हम आने वाले समय में देश को आगे बढ़ा पाएंगे। जब मुख्यमंत्री गहलोत ने ना आज बयान दिया, उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है और हिटलर से भाजपा की तुलना की है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि जो लोग तुष्टिकरण की नीति को प्राथमिकता में रखते हैं और जो सनातन धर्म को गाली देने का काम करते हैं, सनातन धर्म के त्योहारों के ऊपर वो प्रतिबंध लगाते हैं, 144 की धारा लगाते हैं, या जो भगवान श्री राम के दरबार को गिराने का काम करते हैं, या मंदिरों को तोड़ने का काम करते हैं, शिवालय के तोड़ने का काम करते हैं, उनसे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। कल तो वो कह रहे थे कि मैं मंदिरों में जाऊंगा, दर्शन करूंगा, और आज वही सनातन को धर्म को गाली देने का काम करते हैं। इसलिए इनकी ये दोहरा चरित्र है, और ये दोहरा चरित्र जनता समझ चुकी है। और मैं जहाँ तक कह रहा हूँ कि प्रधान यहाँ पर जिस तरह से राजस्थान के अंदर जो स्थिति बनी है, अशोक जी गहलोत को ये समझ में नहीं आता कि राजस्थान की जनता ने आपको क्या विश्वास दिया था, किस उम्मीद के साथ मैं आपको मुख्यमंत्री बनाया। आज राजस्थान में जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व में भारत को 1 नंबर पर ले जा रहे हैं, वहीं पर राजस्थान को भी इन्होंने 1 नंबर पर लेके गए। आज बलात्कार में राजस्थान 1 नंबर पर पहुँच गया, आज जिस तरह से भ्रष्टाचार में राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर पर है, वहीं पर पेपर लीक के अंदर राजस्थान 1 नंबर पर है, क्राइम के अंदर राजस्थान 1 नंबर पर पहुंचा है, डीजल के भावों में राजस्थान 1 नंबर पर है, महंगाई के अंदर लगातार बढ़ रही है, किसान परेशान है, युवाओं से वादा किया था 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का, और किसानों से कहा था कि हम किसानों को संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन ये झूठ मूठ की सरकार है, झूठ इनका इतना खेल इन्होंने चला है। ये एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि
अशोक गहलोत की सरकार है वो पूर्ण रूप से असफल हो चुकी है और राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस सरकार को डिलीट करने का जनता ने फैसला कर लिया है। मंत्री जी, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जिस तरह से कह रहे हैं कि ये धर्म की राजनीति है, निश्चित रूप से हमें गर्व है और सनातन धर्म के ऊपर, और ये जो तुष्टिकरण की नीति है उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान को दंगों वाला प्रदेश अशोक गहलोत की सरकार में बना दिया। आज सबसे ज़्यादा दंगे होते हैं, तो ये स्पष्ट है कि राजस्थान की जनता अब ये चुनाव में इनका जवाब देगी कि इनके प्रत्येक जो इन्होंने सनातन धर्म के ऊपर चोट की, इनके चाहे गमड़िया गठबंधन हो या इनके ग्रुप के लोगों ने जिस तरह से किया, इसका जवाब तो जनता चुनाव का इंतजार कर रही है, जवाब देगी। इनकी ओर से तो लगातार दावे किए जा रहे हैं कि सरकार रिपीट हो रही है, और भाजपा में भी कई गुटबाजी चल रही है, कई बयान भी इस तरह के सामने आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, अशोक जी गहलोत तो कह रहे हैं रिपीट का, ये सरकार डिलीट होने वाली है, क्योंकि यही बातें इन्होंने पिछले चुनाव के अंदर भी कहा था। इन्होंने पूरे राजस्थान की जनता का पैसा जिस तरह से ऐड के अंदर खर्च करके और सभी शहरों के अंदर सब जगह होल्डिंग लगाए थे और जगह जगह ऐड दिए थे पेपरों के अंदर, और जिस तरह से कि राजस्थान एक नंबर पर है, पिछली बार भी इन्होंने ऐसे ऐसे कहा था राजस्थान विकास में एक नंबर पर है, एक नंबर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री एक नंबर पर है, लेकिन राजस्थान की जनता ने उनको 21 सीटों पर लाकर सिमटा दिया था। इसलिए ये सिर्फ हवाई बातें हैं, और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि ये राजस्थान की जनता पिछले 4.5-5 साल में जो झेला है, किसान ने जो झेला है, किसान को लाइट नहीं मिल रही है, उसकी फसल बर्बाद हो रही है, चौपट हो रही है, उसके साथ में धोखा किया, आज युवाओं के साथ में धोखा किया, 3500 रुपये का वादा किया, दिया नहीं, इसलिए राजस्थान के अंदर ये जो सरकार है वो निश्चित रूप से डिलेट होने वाली है।